जादुई चेहरा। शांतिपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में कमलाकर और दामिनी नाम के दो भाई बहन रहते थे। उन दोनों के बचपन में ही उनके माँ बाप गुजर जाते हैं। कमलाकर बड़ा होने के कारण वो दामिनी का बहुत ख्याल रखता था। दामिनी भी बड़ी हो चुकी थी और कमलाकर उसकी शादी करने के लिए लड़के वालों को घर पर देखने बुलाता है, लेकिन दामिनी काली होने के कारण लड़के वाले उसे नापसंद करते हैं और शादी से मना कर देते हैं। दामिनी इस बात से बहुत नाराज होती है और रोने लगती है। कमलाकर उससे कहता है, अरे ऐसे नहीं रोते मेरी प्यारी बहना, रोने से क्या होगा? पता नहीं भैया, लेकिन मैं आप पर बोझ बनी बैठी हुई हूँ। बचपन से देखती आ रही हूँ, मेरे कालेपन की वजह से कोई मुझसे दोस्ती नहीं करता था और ना ही कोई मुझसे खेलता था, और अब बड़ी होने के बाद मुझसे कोई शादी भी नहीं करना चाहता है। नहीं मेरी प्यारी बहना, ऐसे परेशान मत हो, देखना एक दिन तुम्हें कोई राजकुमार ही लेने आएगा। क्या भैया, आप भी कोई परी की कहानी सुना रहे हो क्या आप मुझे? ऐसा कहकर दामिनी पानी का मटका लेकर पानी भरने निकल जाती है, लेकिन उसके दिमाग में वही बातें चलती रहती है, जिसकी वजह से वो कुएं पर जाना तो जंगल में चलती जाती है। लेकिन थोड़ी देर में ही उसके ध्यान में आ जाता है और उसे समझ जाता है कि वो जंगल आ गई। वो कहती है, अरे बाप रे, ये क्या, मैं इतना सोच में डूब गई कि कुएं पर जाना तो चलते चलते जंगल चली आई। बाप रे, जल्दी वापस जाती हूँ वरना भैया परेशान हो जाएंगे। ये सोचकर दामिनी वापस घर आने के लिए मुड़ती है कि तभी उसे जंगल में एक जगह पर हिरन जख्मी हालत में दिखता है। दामिनी उसके पास जाती है और कुछ जड़ी बूटी लेकर उसके जख्म पर मरहम पट्टी करती है और उसे बड़े प्यार से सहलाती है। इससे वो हिरन ठीक होता है। वो हिरन उससे कहता है, बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, अगर तुम नहीं होती और मैं ऐसा ही तड़पता हुआ यहाँ पड़ा होता तो शायद कोई जंगली जानवर मुझे आकर खा लिया होता। अरे आप तो बात भी कर सकते हो, ये तो जादू से कम नहीं है। ऐसा कह सकती हो बेटा, तुमने मेरी मदद की, अब तुम बताओ कि मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ। नहीं नहीं, मैं तो पानी भरने कुएं पर जा रही थी, लेकिन अपनी ही परेशानी में मैं चलते चलते जंगल तक आ पहुंची। परेशानी? वो कैसी, मुझे बताओ, शायद मैं कुछ मदद कर सकूं। नहीं, कुछ खास नहीं, अब मैं क्या बताऊं आपको, मेरा ये काला रंग ही मेरी परेशानी है, तो क्या आप मुझे गोरा कर देंगे? कोई बात नहीं, मैं चलती हूँ। अच्छा, तुम पानी लेने आई थी तो सामने वाले तालाब से लेती जाओ, वहाँ का पानी बहुत मीठा है। हिरन के ऐसा कहने पर दामिनी तालाब के किनारे जाती है, तभी हिरन पीछे से आकर उसे जोर से धक्का मारता है। दामिनी उस तालाब में गिर जाती है, वो पूरी गीली हो जाती है और बाहर आकर कहती है, अरे ये क्या किया हिरन तुमने, मैंने तुम्हारी जान बचाई और तुमने मुझे पूरा भिगो दिया और कपड़े भी गंदे कर दिए। मैंने जानबूझकर ऐसा किया, अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो घर जाकर आईने में देखो। दामिनी मटके में पानी भरकर घर चली जाती है, लेकिन घर जाते वक्त सारे गांव वाले उसे बड़े हैरानी से देखते रहते हैं। दामिनी को यह समझ नहीं आता कि सारे लोग उसे क्यों देख रहे हैं, लेकिन जैसे ही वो आईने के सामने जाती है वो देखती है कि वो बहुत गोरी और पहले से ज्यादा सुंदर हो चुकी है। वो कहती है, अरे बाप रे, मैं इतनी खूबसूरत कैसे हुई? तभी कमलाकर वहां आता है। दामिनी उसके सामने जाती है, वो भी उसे देखता ही रहता है। दामिनी कहती है, देखो भैया, मैं गोरी हो चुकी हूँ, देखो। सिर्फ गोरी नहीं बहना, सुंदर भी, लेकिन ये सब कैसे हुआ? दामिनी उसे सारी बात बता देती है। दामिनी के खूबसूरती के किस्से सारे आसपास के गांव में फैल जाते हैं और एक दिन कमलाकर के कहे मुताबिक पास ही के एक राज्य से एक राजकुमार आता है और उसका दामिनी के साथ विवाह हो जाता है। मैजिकल गोल्डन कैमल चोर। मंगलू चोर लोगों से बचने के लिए एक ट्रप में छुप जाता है। वो सोचता है कि जैसे ही लोग यहां से चले जाएंगे वो चुपके से वहां से भाग लेगा, पर उसे क्या पता था उसका भागना मुश्किल ही नहीं
नामुमकिन था। होता यूं है कि जैसे ही वो ट्रक में जाकर छुपता है, वो ट्रक वहां से निकल जाता है और मंगलू की सवारी ट्रक के साथ नए सफर पर निकल पड़ती है। मंगलू कहता है, ओह ये ट्रक तो चलने लगा, फूटी किस्मत मेरी, अब जब ये ट्रक रुकेगा तभी मैं नीचे उतर पाऊंगा। मर गया मंगलू तू। बहुत देर हो जाती है पर ट्रक रुकने का नाम ही नहीं लेता। उस ट्रक में बड़े बड़े बक्से रखे होते हैं। मंगलू तो चोरी था, उसे वो बक्से देखे बगैर रहा नहीं जाता। वो कहता है, वाह यार लगता है काफी सारा माल भरा पड़ा है इन बक्सों में, ये तो मुझसे भी काफी बड़े है, चलो यहाँ चढ़ के इनमें झांक कर देखता हूँ। मंगलू छेद में से बक्से के अंदर झांक कर अपने मोबाइल के टॉर्च की रोशनी से देखता है। उसकी आंखें फटी की फटी रहती है। ओ तेरी, ये क्या है, मैंने तो सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। गोल्डन कलर का कैमल, इसके तो कितने पैसे मिलेंगे मार्केट में। मंगलू कुछ सोच, इसे यहां से उड़ाना पड़ेगा। मंगलू बहुत देर तक सोचता है कि कैसे इसे यहां से चुरा कर ले जाए, पर हर एक आइडिया उसका फेल होने लगता है कि तभी वो ट्रक रुक जाता है। यार अब तो ये ट्रक भी रुक गया, अगर उन लोगों ने मुझे यहां देखा तो मैं तो गया काम से। काश मैं इस गोल्डन कैमल के साथ यहां से कहीं गायब हो जाता। उसके ये कहने की देरी थी कि तभी वो और कैमल किसी दूसरी जगह पर होते हैं। मंगलू को तो किसी सपने की तरह लगता है ये सब। हैं, मैं क्या जागते हुए सपना देख रहा हूं क्या, ये हम यहां कैसे आ गए। हैरान परेशान मंगलू कुछ समझ नहीं पाता। अपना सर खुजाते हुए वो बैठ जाता है। यार मेरा तो दिमाग पूरा हिल गया है, ऊपर से कल से कुछ भी नहीं खाया, दिमाग काम करेगा भी कैसे। काश मुझे भी कुछ ऐसा अच्छा सा खाने को और पीने को मिल जाए। उसके बोलते ही उसके सामने बहुत सारे स्वादिष्ट व्यंजन आ जाते हैं। उसको अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। ये क्या, फिर से कुछ गड़बड़ हो गई, ये हो क्या रहा है और कैसे हो रहा है। लगता है इस गोल्डन कैमल में ही कुछ गड़बड़ है, काश मुझे क्या हो रहा है पता चल जाए। बस मंगलू ने बोलने की देरी उस गोल्डन कैमल ने अपने मुंह में एक चिट्ठी पकड़ी हुई थी जो उसने मंगलू को दे दी। हैं, अब ये चिट्ठी कहां से आ गई, मैं जरूर मर गया हूं और ऊपर मेरे साथ ये सब हो रहा है, लगता है भगवान मेरे मजे लेने के मूड में है। चलो चिट्ठी तो पढ़ लू, पता तो चले और क्या होने वाला है मेरे साथ। ये मैजिकल गोल्डन कैमल है, इसके सामने आप अपनी कोई भी इच्छा बोलोगे तो वो तुरंत पूरी होगी। बस अपनी इच्छा बोलने से पहले आपको काश बोलना है, पर खबरदार ज्यादा लालच बुरी बला है। ओ तेरी, ये तो जैकपॉट लग गया रे मंगलू तेरे हाथ। बस अब बोल तुझे क्या चाहिए, तेरा ये मैजिकल दोस्त तुझे सब देगा। सही कहा किसी ने, भगवान जब भी देता है छप्पर फाड़ के देता है। बस फिर क्या था, मंगलू मांगता गया और कैमल देता गया, पर जैसे कि उस चिट्ठे में लिखा था, लालच बुरी बला है। मंगलू ने ज्यादा लालच करके बला अपने सर मोड़ ली थी। वाह यार मजे ही मजे है अपने, बंगला गाड़ी पैसा सब है अपने पास, गजब है यार। ये मैजिकल दोस्त ने तो मेरी लाइफ ही सेट कर दी, पर यार कुछ अधूरा अधूरा सा लग रहा है। वो चोरी करते वक्त जो थ्रिल आता था, मजा आता था, वो सब कहीं गायब हो गया है। काश लाइफ में थोड़ा थ्रिल आ जाए। चलो कल अपने मैजिकल दोस्त को लेकर कहीं घूम आता हूं। हो गया कल्याण, अब तो लाइफ में थ्रिल ही थ्रिल आने वाला था मंगलू के। उसने विश जो मांग ली थी। दूसरे दिन मंगलू और मैजिकल कैमल घूमने निकलते हैं कि तभी कुछ लुटेरों की नजर उन पर पड़ती है। लुटेरे कहते हैं, वाह क्या नजारा है, गोल्डन कैमल, इसे तो मैं अपना पालतू बना लेता हूं, अभी से उस बेवकूफ से छीनता हूं। वो लुटेरा और उसके चमचे मंगलू और कैमल पर हमला कर देते हैं। वो चिल्ला ना सके इसलिए सबसे पहले उसका मुंह बंद कर देते हैं ताकि वो बोल ना पाए, और उस गोल्डन कैमल को लेकर वहां से भाग जाते हैं। साथ ही साथ मंगलू के पास से सारी चीजें लूट कर ले जाते हैं।
हाथ पाव बंद है, मुंह बंदा बेचारा मंगलू कुछ कर भी नहीं पाता। वो गुमसुम होकर रोने लगता है और कोई तो आकर उसे वहां से आजाद कराए इस उम्मीद में रहता है। उसकी काश कहने की आदत से उसकी थ्रिल वाले विष ने उसका मैजिकल गोल्डन कैमल ही उससे छीन लिया था। अब वो वहां से कब बचकर निकल पाएगा वो तो भगवान को पता, काश वो हमें भी पता चल जाता। मैजिकल गोल्डन कैमल चोर। मंगलू चोर लोगों से बचने के लिए एक ट्रप में छुप जाता है। वो सोचता है कि जैसे ही लोग यहां से चले जाएंगे वो चुपके से वहां से भाग लेगा, पर उसे क्या पता था उसका भागना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था। होता यूं है कि जैसे ही वो ट्रक में जाकर छुपता है वो ट्रक वहां से निकल जाता है और मंगलू की सवारी ट्रक के साथ नए सफर पर निकल पड़ती है। मंगलू कहता है, ओह ये ट्रक तो चलने लगा, फूटी किस्मत मेरी, अब जब ये ट्रक रुकेगा तभी मैं नीचे उतर पाऊंगा। मर गया मंगलू तू। बहुत देर हो जाती है पर ट्रक रुकने का नाम ही नहीं लेता। उस ट्रक में बड़े बड़े बक्से रखे होते हैं। मंगलू तो चोरी था, उसे वो बक्से देखे बगैर रहा नहीं जाता। वो कहता है, वाह यार लगता है काफी सारा माल भरा पड़ा है इन बक्सों में, ये तो मुझसे भी काफी बड़े है, चलो यहाँ चढ़ के इनमें झांक कर देखता हूँ। मंगलू छेद में से बक्से के अंदर झांक कर अपने मोबाइल के टॉर्च की रोशनी से देखता है। उसकी आंखें फटी की फटी रहती है। ओ तेरी, ये क्या है, मैंने तो सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। गोल्डन कलर का कैमल, इसके तो कितने पैसे मिलेंगे मार्केट में। मंगलू कुछ सोच, इसे यहां से उड़ाना पड़ेगा। मंगलू बहुत देर तक सोचता है कि कैसे इसे यहां से चुरा कर ले जाए, पर हर एक आइडिया उसका फेल होने लगता है कि तभी वो ट्रक रुक जाता है। यार अब तो ये ट्रक भी रुक गया, अगर उन लोगों ने मुझे यहां देखा तो मैं तो गया काम से। काश मैं इस गोल्डन कैमल के साथ यहां से कहीं गायब हो जाता। उसके ये कहने की देरी थी कि तभी वो और कैमल किसी दूसरी जगह पर होते हैं। मंगलू को तो किसी सपने की तरह है लगता है ये सब। हैं, मैं क्या जागते हुए सपना देख रहा हूं क्या, ये हम यहां कैसे आ गए। हैरान परेशान मंगलू कुछ समझ नहीं पाता, अपना सर खुजाते हुए वो बैठ जाता है। यार मेरा तो दिमाग पूरा हिल गया है, ऊपर से कल से कुछ भी नहीं खाया, दिमाग काम करेगा भी कैसे। काश मुझे भी कुछ ऐसा अच्छा सा खाने को और पीने को मिल जाए। उसके बोलते ही उसके सामने बहुत सारे स्वादिष्ट व्यंजन आ जाते हैं। उसको अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। ये क्या, फिर से कुछ गड़बड़ हो गई, ये हो क्या रहा है और कैसे हो रहा है। लगता है इस गोल्डन कैमल में ही कुछ गड़बड़ है, काश मुझे क्या हो रहा है पता चल जाए। बस मंगलू ने बोलने की देरी उस गोल्डन कैमल ने अपने मुंह में एक चिट्ठी पकड़ी हुई थी जो उसने मंगलू को दे दी। हैं, अब ये चिट्ठी कहां से आ गई, मैं जरूर मर गया हूं और ऊपर मेरे साथ ये सब हो रहा है, लगता है भगवान मेरे मजे लेने के मूड में है। चलो चिट्ठी तो पढ़ लू, पता तो चले और क्या होने वाला है मेरे साथ। ये मैजिकल गोल्डन कैमल है, इसके सामने आप अपनी कोई भी इच्छा बोलोगे तो वो तुरंत पूरी होगी, बस अपनी इच्छा बोलने से पहले आपको काश बोलना है, पर खबरदार ज्यादा लालच बुरी बला है। ओ तेरी, ये तो जैकपॉट लग गया रे मंगलू तेरे हाथ, बस अब बोल तुझे क्या चाहिए। तेरा ये मैजिकल दोस्त तुझे सब देगा, सही कहा किसी ने, भगवान जब भी देता है छप्पर फाड़ के देता है। बस फिर क्या था, मंगलू मांगता गया और कैमल देता गया, पर जैसे कि उस चिट्ठे में लिखा था लालच बुरी बला है, मंगलू ने ज्यादा लालच करके बला अपने सर मोड़ ली थी। वाह यार मजे ही मजे है अपने, बंगला गाड़ी पैसा सब है अपने पास, गजब है यार, ये मैजिकल दोस्त ने तो मेरी लाइफ ही सेट कर दी। पर यार कुछ अधूरा अधूरा सा लग रहा है, वो चोरी करते वक्त जो थ्रिल आता था मजा आता था वो सब कहीं गायब हो गया है, काश लाइफ में थोड़ा थ्रिल आ जाए। चलो कल अपने मैजिकल दोस्त को लेकर कहीं घूम आता हूं। हो गया कल्याण, अब तो लाइफ में थ्रिल ही थ्रिल आने वाला था मंगलू के, उसने विश जो मांग ली थी
दूसरे दिन मंगलू और मैजिकल कैमल घूमने निकलते हैं कि तभी कुछ लुटेरों की नजर उन पर पड़ती है। लुटेरे कहते हैं, वाह क्या नजारा है गोल्डन कैमल, इसे तो मैं अपना पालतू बना लेता हूँ, अभी से उस बेवकूफ से छीनता हूँ। वो लुटेरा और उसके चमचे मंगलू और कैमल पर हमला कर देते हैं। वो चिल्ला ना सके इसलिए सबसे पहले उसका मुंह बंद कर देते हैं ताकि वो बोल ना पाए, और उस गोल्डन कैमल को लेकर वहां से भाग जाते हैं। साथ ही साथ मंगलू के पास से सारी चीजें लूट कर ले जाते हैं। हाथ पाव बंधे मुंह बंदा बेचारा मंगलू कुछ कर भी नहीं पाता। वो गुमसुम होकर रोने लगता है और कोई तो आकर उसे वहां से आजाद कराए इस उम्मीद में रहता है। उसकी काश कहने की आदत से उसकी थ्रिल वाले विश ने उसका मैजिकल गोल्डन कैमल ही उससे छीन लिया था। अब वो वहां से कब बचकर निकल पाएगा वो तो भगवान को पता, काश वो हमें भी पता चल जाता।